हमारे ठीक सामने में यहाँ गांधी जी की मूर्ति दिख रही है जो कि लाठी पकड़े हुए है और हम ये माइक पकड़े हुए है। हमारा नाम है आरजे विशाल और आज हम गांधी चौक के पास आए हैं उन तमाम स्टूडेंट से बात करने के लिए जो CGPSC की तैयारी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि आज जो है सड़क पर कोई भी स्टूडेंट मस्ती करते हुए दिखने वाला है, चाय पीते हुए दिखने वाला है, क्योंकि 11 तारीख को CGPSC का प्रीलिम्स होने जा रहा है, तो सब तैयारी में जुटे होंगे और नहीं जुटे हैं तो चलिए फिर बातें करते हैं कि इस चौक चौराहे पर, ये रोड पर क्या चीज की तैयारी चल रही है। ठीक है, CGPSC की तैयारी हो रही है जी भैया। कहाँ तक पहुंची है तैयारी? अब तैयारी का तो कोई ऐसा अंत है नहीं, तैयारी चलते रहता है। तो हम ये सब बाहर में चाय पीकर तैयारी कर रहे हैं, बस अभी वही मूड फ्रेश करने आए। सच सच बताइएगा जी जी बिल्कुल। कितने घंटे पढ़ाई हो रही है अभी? तो खैर रिविजन बस हो रहा है, पढ़ाई तो पहले हो चुकी है। अच्छा, रिविजन हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। पक्का ना आप यहाँ पर बस रिफ्रेश करने आए ना खुद को? चलिए आप बताइए। सुबह भी आए थे? नहीं नहीं, यहाँ नहीं आए, वहाँ पे नहीं गए थे। अरे भैया ऐसा कर रहे हो, ऐसे तैयारी करोगे? ये इसके लेवल की। आप बताइए। हाँ, क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? CGPSC की। हाँ तो बताइए कैसे चल रही है तैयारी? बढ़िया, दिमाग जितना शांत रहेगा वो ज्यादा बेहतर है। एक ही जगह पर बैठे रहेंगे तो हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी भी आए, और जो रूटीन है उस पर रूटीन अपने आप को संकेत देना है कि सब चीजें नॉर्मल है, कुछ भी चीजें बाहर नहीं है, ऐसी कुछ चीजें नहीं कि आपका कुछ बहुत ज्यादा बड़ा चीज होने वाला है आपके साथ। तो कितनी चाय हो जा रही है दिन भर में? एक ही बस, इवनिंग टाइम, बाकी टाइम पढ़ाई। बहुत बढ़िया, ऐसा कर रहे हैं तब तो फिर सही है, बाकी ऐसा ही कर रहे हैं ना। तो चल रही सर, लेकिन मैं अभी फिलहाल अपना एग्जाम दिला के एग्रीकल्चर का, हमारा एग्जाम था रियो का। अच्छा, और फिर अभी 11 को आप एग्जाम दिलाएंगे? एग्जाम, फिर PSC का एग्जाम मेरा 11 तारीख को। कितना चाय हो जा रहा है सर ये दिन भर में? नहीं सर, ये पहला ही है मेरा। पक्का? हाँ पहले ही सर। सर मुस्कुरा रहे हैं, पहले ही चाय है। कौन सा चाय है इनका? पहले ही चाय है ना? पक्का? तो 11 को आप एग्जाम देंगे कि नहीं? नहीं नहीं दे रहा हूँ। सरकारी नौकरी चाहते हैं? हाँ। क्यों? कौन सा अच्छा है, सरकारी प्राइवेट? अभी तो फिलहाल सरकारी का कर रहा हूँ तो वही अच्छा लग रहा है। सरकारी में सुने हैं कि एकदम बढ़िया सुंदर सी लड़की मिलती है, ऐसा सच है क्या? क्या पता भाई, अब नहीं पता। शर्मा रहा है, मतलब रीजन यही तो नहीं है कहीं सरकारी नौकरी करने का, यही मोटिव है लगता है? नहीं नहीं नहीं, घर वालों का मतलब है ना, प्रेशर हल्का करना है? नहीं नहीं, घर वालों का प्यार और उनका सपोर्ट है ना, तो उनके लिए कुछ करना है। चलिए बहुत अच्छा, आपके घर वालों का प्यार सपोर्ट जो है ऐसी बरकरार रहे, बहुत नसीब वाले हो, नहीं तो बहुत लोग घर वाले जो है ना सपोर्ट नहीं करते हैं भाई। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखो और ज्यादातर घर में ही रहा करो। ठीक है, गर्लफ्रेंड है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है ना, ठीक है, चलो शुक्रिया। लोकेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है, देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियां हैं और ये वो गाड़ियां हैं जो अपने मालिक का इंतजार करते रहती है कि मालिक कब हमको छोड़ के जाए बड़ी गाड़ी में। तो चलिए फिर आज जो है उन मालिकों से मिलते हैं, इन गाड़ी के मालिकों से मिलते हैं जो बड़े गाड़ी के सपने देख रहे हैं और कैसी चल रही है तैयारी, उनसे बातें करते हैं उन्हीं के पास जा करके। जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, क्या है कि आप पूरा हाँ लेके बैठे हुए हैं एकदम, तो क्या है मोटिव, क्या है सरकारी नौकरी के पीछे आपका? वो तो रहते ही, मतलब घर की जरूरतें हैं सबसे पहली, तो सबसे पहली। दूसरी खुद की जरूरतें, खुद की जरूरतें में एक होता है पैसा, दूसरा होता है सुंदर सी बीवी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, बस पावर चाहिए। पावर चाहिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पावर लेकर क्या करेंगे, एक आखिरी सवाल। सेवा, जनता की सेवा करेंगे ना? बिल्कुल ठीक है, हम भी यही चाहते हैं कि कोई बढ़िया अफसर आए और जनता की अच्छे सेवा करे। दिन भर ही पढ़ाई चल रहा है, अभी टेस्ट चल रहा था, टेस्ट सीरीज तो आज खत्म हुआ है, तो अब रिवीजन करना है बाकी। क्या बोलते हैं, मॉक टेस्ट बोलते हैं ना? मॉक टेस्ट बोलते हैं। करते हैं आप लोग? नंबर अच्छा आता है? हाँ ठीक आ रहा है, आ रहा है ना, इस बार निकल सकता है? हाँ निकल सकता। प्रीलिम्स? हाँ निकल सकता। मैं दिलाया था पिछले बार, मेंस दिलाया था। अच्छा, मेंस तक पहुंच गए थे? इंटरव्यू प्रॉब्लम कि मेंस में? मेंस मेरा नहीं हुआ था।
चलिए फिर से आप वहाँ तक पहुँचिए और इस बार हो जाए, ऑल द बेस्ट कहते हैं यहाँ पर। बाकी उनसे बात करें या ना करें, क्योंकि वो फ़ोन में लगी हैं, माता जी से बात कर रही हैं, पिताजी से बात कर सकती हैं, भाई से बात कर सकती हैं, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों कर रहे हो CGPSC? क्यों देना चाहते हो प्रीलिम्स? क्यों तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की? हाँ बताइए। कुछ है, देखिए अब ऐसे इंटरव्यू में अगर पूछ दिया तो फिर कैसे करेंगे आप? हम आपका तैयारी भी करवा रहे हैं भाई, बस पूछ नहीं रहे। बताइए आप कौन सा अटेम्प्ट देंगे आप? फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से निश्चिंत रहिए। आपका कौन सा अटेम्प्ट? चौथा अटेम्प्ट है। क्यों देना चाहते हैं और क्यों पड़े हुए हैं CGPSC के पीछे एकदम अपना हाथ पैर धो करके, भाई बताओ पहले। इसमें अच्छा है स्कोप वगैरह, काम करने का है। काम करने का अच्छा है, समाज के लिए करना चाहते हैं। क्या बदलाव लाएंगे अगर आप बन जाते हैं इस बार, आपका कनेक्ट कर जाता है तो क्या बदलाव लाना चाहेंगे आप? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव लाना है। अपना लाइफ कैसे मैनेज करते हो ये जानना चाहते हैं बेसिकली। हाँ मतलब यहाँ बस 6 महीना रहता हूँ, फिर घर जाके वहाँ तैयारी। अच्छा ठीक है, जब तक अब मैं तो चाहूँगा कि निकाल नहीं लो, तब तक ना घर वालों के पास जाओ ही मत, चले जाना, मजाक कर रहे हैं। और चौथा अटेम्प्ट है, दबाव है घर वालों का? हाँ रहता तो है ये तो, लेकिन उतना दबाव नहीं है। सिंगल है? हाँ सिंगल। तो गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड क्या, उनका भी दबाव रहता है भाई, इसमें हंसना क्या है, उसको भी जल्दी करो नहीं पापा नहीं मानेंगे, फिर ऐसा वाला रहता है ना। हाँ बस खाना खाने जाते हैं घर 10-12 से 4 बजे तक, मिनिमम 7-8 घंटे हो भी जाती है पढ़ाई, बाकी समय के हिसाब से 2-3 घंटे ऊपर भी हो जाता है पढ़ना, डिस्कशन ऐसे करके हो जाता है। और जैसे यहाँ पर हम किसी से बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो चुपचाप साइलेंटली हम इनको कवर करेंगे। आइए, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? आकाश। तैयारी चल रही है जी, 11 तारीख के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल। ओके थैंक यू। क्या जी क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं CGPSC की? हाँ CGPSC है ना। क्या महत्व रखता है आपके लाइफ में CGPSC PSC? CGPSC PSC बेसिकली सभी के लाइफ में बहुत महत्व रखता है, और ये एग्ज़ाम ऐसा है जो एक हमारे सिविल सर्विस में आने के लिए और जो सपना देखे हैं उसको पूरा करने के लिए प्रारंभिक जरिया है, तो इसी के जरिए अपना सपना पूरा करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं निरंतर। प्रीलिम्स है? हाँ। कौन सा अटेम्प्ट? मेरा 4th अटेम्प्ट है। हो जाएगा इस बार? बिल्कुल, पिछले बार भी दिया था मैं, लेकिन मेंस में कर दिया था, तो कोशिश है इस बार निकल ही जाए। पक्का निकल जाएगा, ऑल द बेस्ट, ऐसे पढ़ते रहिए, मन लगाइए। थैंक यू। ये डार्क रूम क्या सोने का भी काम करता है? क्योंकि इनका लाइट ऑफ है भाई साहब। ओ भाई साहब लाइट ऑन करिए, ऐसे होता है लाइट ऑन। काजी सो रहे हैं आप? का है? दिमाग का। 11 तारीख को भाई तुम्हारा पेपर है और तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, कैसी बात कर रहे हो यार? 11 तारीख को नहीं है। कब है? मैं बीएससी की तैयारी नहीं कर रहा। सॉरी। ये आपका जो टाइम टेबल है वो कैसा रहता है, दिनचर्या कैसा रहता है आपका? मैं जैसे मॉर्निंग में तो वही 5:30-5 बजे उठना रहता है, उसके बाद 1 घंटा पढ़ने के बाद 7:30 बजे जिम जाता हूँ। अरे वाह। वर्कआउट रहता है 9 बजे तक रहता है, उसके बाद आने के बाद नहाना धोने के बाद 10 से ठीक है पढ़ाई चलती, फिर 12 से 1:30 बजे तक क्लास ही रहती मेरे आपके यहाँ कोकोई में ही। कोको का स्टूडेंट हुआ है? अरे वाह। कॉम्पिटिशन कम्युनिटी का स्टूडेंट हुआ है। हाँ, 1:30 बजे तक क्लास रहती है, फिर उसके बाद शाम को भी क्लास लग रही थी, फिर पढ़ाई उसके 1:30 से 2 बजे के बाद 4-5 बजे तक, फिर 5 से 8 घंटे की क्लास लगती थी, 3:30 से 5:30 हो गया था। अभी क्लास बंद हो गई तो अभी घर में पढ़ाई चलती है, उतने समय क्लास चलती क्लास में जाते थे, उसके बाद घर में जाके घंटा पढ़ाई करने के बाद 10-10:30-11 बजे सो जाते थे। ये वो छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है आते हैं और फिर अपने 6x6, 7x7 के कमरे में घुस जाते हैं। हम आ सकते हैं? जी मैं हूं आरजे विशाल और आप लोगों के बीच अभी बातें कुछ पूछने के लिए आया हूं। कैसे हैं सबसे पहले तो आप लोग? ठीक है भैया, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कब से है अपने घर वालों से दूर? 1 साल भर हो गया। हाँ मन लगता है अब यहाँ? मन लगता है लेकिन कभी कभी मन बहुत डाउन भी हो जाता है क्योंकि तैयारी भी करना है। अभी प्रीलिम्स भी है? प्रीलिम्स भी है। तो तैयारी चल रहा है बहुत ज्यादा। 6x6 का कमरा है, 7x7 का कमरा है, एक कहीं ना कहीं सपना तो होगा आपका, हमारा जो कमरा है वो एक बंगलो में तब्दील हो, है ना?
तो उसके लिए हो रही है तैयारी? हाँ ठीक है, लेकिन अभी है बहुत सारा बचा है, अब मुश्किल है थोड़ा। हाँ जी, अभी 11 तारीख को आपका एग्जाम है और आप कह रहे हैं कि अभी इस टाइप का कहिएगा। रिवीजन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है, कम समय में ज्यादा को पढ़ना है। हाँ। दिक्कत इस चीज का हो जाता है। प्रीलिम्स में आप ऐसे बोल रहे हैं, मेंस में फिर किसे बोलिएगा? तो मेंस तक भी पहुँचना है ना हमको, और मेंस का सिलेबस अलग रहता है। हाँ तो पहुँचना है ना जी, मेंस तक हमको पहुँचना है, बिल्कुल पहुँचना है, इसी साल पहुँचना है और कुछ भी करके, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे, अटेम्प्ट में क्लियर करना है। जैसे मैं मॉर्निंग 7 बजे खोलता हूँ लाइब्रेरी, सुबह 7 बजे मेरे गेट खोलने से पहले लोग खड़े रहते हैं, बंद करने के टाइम पे बोलना पड़ जाता है कि भैया बंद कर रहा हूँ चले, तो भैया 5 मिनट बस एक पैराग्राफ और पढ़ लूँ, ये जो होता है। तो ऐसा नहीं हुआ चलो बंद करो पढ़ाई लिखाई, बंद करो चलो चुपचाप, ऐसा तो कभी आपने डांटा है? नहीं नहीं इतना तो नहीं होता है, ठीक है 5 मिनट का समय देते हैं, फिर धीरे धीरे बंद करके, बिल्डिंग बड़ा है तो बंद करते करते फिर बंद करते हैं। मुझे ना वो एक मुन्ना भाई MBBS एक फिल्म आई थी, हाँ सर, जिसमें वो जो मकसूद भाई रहते हैं ना, तो मकसूद भाई वाला तो आप रोल नहीं कर रहे हो, लेकिन बहुत ही बढ़िया आप रोल अदा कर रहे हो, और मैं आपको जादू की झप्पी देना चाहता हूँ। आ जाओ एक जादू की झप्पी ले लो, और संजू बाबा की आवाज में बस यही कहना चाहूंगा कि ऐसे काम करते रहिए और ढेर सारे जो है अफसर बनाते रहिए, यहाँ से निकालते रहिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भी ऐसे तमाम हम वीडियोस लाते रहेंगे। आई होप कि आपको ये एंटरटेन भी किया होगा, मोटिवेट भी किया होगा, और जिस तरह से भी बस आप लोग है ना यार, निकाल लो प्रीलिम्स निकालो, मेंस निकालो, और उसके बाद बन जाओ। बाय बाय, टेक केयर, दिस साइड विशाल साइनिंग आउट, लव यू टू, मिस यू टू।